हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज CUET। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, कब इसके एग्जाम होंगे, क्या पैटर्न होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उनके एड्रेस क्या है, कैसे आप उनके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो वो सब मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आप बने रहें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके इस टेस्ट के ऊपर। इस टेस्ट को स्टूडेंट हम ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है बाय NTA, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सारे जो इस टेस्ट को जो कंडक्ट करेगा वो NTA के थ्रू कंडक्ट होगा स्टूडेंट, और जो आपको इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वीडियो में कंप्लीट आपको दी जा रही है, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। इसी टेस्ट को कई बार बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, CUCET के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसको इसी नाम से कहा जाता था, इसका नाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको अब हटा के कर दिया गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो स्टूडेंट, अगर हम समझने की बात करें कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है, सर ये टेस्ट हम क्यों दे। तो जितने भी स्टूडेंट जो BSc में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप कोई भी UG कोर्स को करना चाहते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो उनसे होते हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको स्टूडेंट ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, DU में एडमिशन अगर आपको चाहिए था तो आप परसेंटेज बेस पे एडमिशन ले लेते थे, मगर इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कोई भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी हैं, चाहे PU है, चाहे आपके JNU है, चाहे आपका DU है, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में अगर आप अपना एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको CUET टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसके फॉर्म कब निकलेंगे स्टूडेंट, तो वो डेट डिक्लेयर कर दी गई है, 6 अप्रैल से लेके 6 मई 2022 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग दे रखी है 5 PM तक। अब बात करें लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फी ट्रांजैक्शन क्या है, 6 मई 2022, वो भी क्या है 11:50 तक केवल आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, 1st and 2nd week of July। अब ये पर्टिकुलर डेट आपको नहीं दी गई है, वो आपको टेस्ट जब आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा तो उसमें आपको बता दी जाएगी, मगर ये क्लियर हो गया कि 1st week और 2nd week के अंदर 2 स्लॉट के अंदर आपके टेस्ट होंगे, और तब तक सब क्लासेस के प्लस टू के जितने भी एग्जाम है 15 जून तक खत्म हो जाए, कई स्टूडेंट थे 31 मई को ही खत्म हो जाए, कईयों के 2 जून तक खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास अच्छा टाइम है प्रेपरेशन करने के लिए भी। अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्लॉट में स्टूडेंट एग्जाम दिए गए हैं, यहाँ पे एक है 195 मिनट का, एक है 225 मिनट का। फिर बात मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है स्टूडेंट वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सारे क्वेश्चन क्या आएंगे, MCQ में आएंगे। अब अगर हम बात करें, कई स्टूडेंट के माइंड में होगा कि सर पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कौन सी आएंगे, तो वो सब भी हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, जिन स्टूडेंट्स ने पहले भी, मैंने वैसे वीडियो इसके ऊपर बता रखी है आपको, तो आपके पास Section 1A Section 1B, यानी एक तरह से ये सेक्शन ए है आपका स्टूडेंट, क्योंकि आप लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं और 19 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 13 लैंग्वेजेस आपको गिवन है सेक्शन ए में, सेक्शन जो आपका 1A है स्टूडेंट, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, तो ये 13 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब इसमें आ रही है। और जो लैंग्वेज सेकंड है कि जो कि कंपलसरी नहीं है, लैंग्वेज फर्स्ट आपको देना जरूरी है, मगर कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, इटालियन, अरेबिक, तो ये जो डिफरेंट लैंग्वेज हैं, ये 19 लैंग्वेज हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इन टोटल लैंग्वेजेस में से स्टूडेंट जो पेपर फर्स्ट है आपका, जो लैंग्वेज का है, उसमें आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज के पेपर दे सकते हैं, तो कोई भी 3 लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर एक लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो आपकी प्लस टू क्लास के अंदर आपने ले रखी है, जैसे किसी व्यक्ति ने इंग्लिश ले रखी तो इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी ले रखी तो हिंदी होनी ही चाहिए। अब उसके बाद डोमेन आता है, सेकंड जो पार्ट आता है स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज आता है, तो 27 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट के ऊपर आप क्या है पेपर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है 6 आपको देने ही देने, आप चाहें तो कोई एक पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर भी क्या है
पेपर में एग्जाम दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां का प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या है। अभी मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज के नाम भी बता दूंगा, वहां जाके आप साइट पे जाके वहां से स्टडी कर सकते हैं कि उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। मगर जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है आप इनमें से 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सपोज करिए किसी स्टूडेंट ने बीएससी ऑनर्स में केमिस्ट्री में लेना पार्टिसिपेट, तो उसको केमिस्ट्री चाहिए चाहिए, और वो चाहता है साथ में फिजिक्स या मैथ, मैथ तो उसको रखना ही पड़ेगा, तो मैथ और केमिस्ट्री के अंदर उसको क्या है स्टूडेंट एग्जाम देना ही पड़ेगा, तो दो सब्जेक्ट तो उसको चूज करने पड़ेंगे। अब कोई चाहता है मैं फिजिक्स में भी किसी कॉलेज में ट्राई करना चाहता हूं, तो वो फिजिक्स लैंग्वेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह कॉमर्स के स्टूडेंट है अकाउंटेंसी ले सकते हैं, बायो के स्टूडेंट बायोलॉजी। अब इसमें अगर आपके पास कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि सपोज करिए बायो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो बायोलॉजी का एग्जाम दे देगा जो उसके नियरेस्ट होगा। लैंग्वेज को समझ ले, जो सेक्शन फर्स्ट ए है या फिर सेक्शन आपका फर्स्ट बी है, मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें मैक्सिमम आपने 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट एमसीक्यू बेस्ड होगा। 40 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। और उसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा 45 मिनट्स मिलेगा, जो अभी मैंने वहां पे टाइम ड्यूरेशन दिखाया था वो सब इसी के बेस पे है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एक तो सब्जेक्ट ले लिया आपका, लैंग्वेज ले ली 45 मिनट्स, और 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, और 2 सब्जेक्ट में भी जो टाइमिंग है आपका स्टूडेंट वो 45 मिनट का ही है, तो 45 प्लस 45, और जो आपका जीके का है बाद में वो क्या है 60 मिनट का है। तो ये सारा जब आप स्टूडेंट टोटल करेंगे, टोटल करके स्टूडेंट क्या आ जाएगा 225 मिनट का क्या आ जाएगा एग्जाम आ जाएगा। तो इस तरह उन्होंने स्लॉट फर्स्ट और स्लॉट सेकंड किया है। जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट 225 मिनट का एग्जाम दे, आप में से ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट एक लैंग्वेज ले केवल और एक सब्जेक्ट ले और जीके का एग्जाम देना पड़ेगा। अब जीके का जो एग्जाम है वो भी जरूरी नहीं है कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप देख जा रहे हैं तो वहां जाके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जीके का एग्जाम कंपलसरी है कि नहीं है। वो आपको सब कुछ जब 6 अप्रैल को जब फॉर्म निकलेगा वो सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर जीके के एग्जाम में क्या करना है। अब बात कर ले सब्जेक्ट के बारे में, स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड होगा, और यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी क्लास प्लस 2 सिलेबस ओनली। तो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्लास प्लस 2 सिलेबस से क्या आपके आएंगे, तो सिलेबस मेंशन कर रखा है जो आपको समझना चाहिए। अब हम बात करें कि हमारे पास जो जीके का एग्जाम होगा स्टूडेंट 60 मार्क्स का है, और इसमें 60 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 75 क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और 60 मिनट आपको यहां पे मिलेंगे। क्या क्या इसमें आएगा, तो इसमें इनपुट टेस्ट कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, तो ये सारे आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये सारा पार्ट आपसे जीके में पूछा जाएगा, यानी जनरल जो आपका टेस्ट होगा 60 मार्क्स का वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस टाइप का सिलेबस होगा, किस टाइप का पैटर्न होगा। अब कई स्टूडेंट्स के मन में आता है सर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अब स्टूडेंट ये लिस्ट स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां पे कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके बारे में डिटेल नॉलेज यहाँ पे गिवन है आपको, और एड्रेस भी आपको वहां पे यहाँ पे मिल जाएगा कि वहां का एड्रेस क्या है, ताकि आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में नाम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और इनके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अब एड हुई हैं, तो ये लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, दिल्ली। अब दिल्ली की बात करें, जामिया मिलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल, जेएनयू आपका हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो जितनी भी डीयू की यूनिवर्सिटीज है वो यहाँ पे आ रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, जहां के भी बारे में आप, यूपी की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जो कि अपने आप में इंडिया में टॉप रैंकिंग में आता है स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल की बात करें राजीव गांधी रानी, ये सारी आप बात कर सकते हैं। फिर पंजाब की बात करें PU यूनिवर्सिटी आपके अंदर आती है, हरियाणा में जो बात करें तो पाली यूनिवर्सिटी आती है, जहां पे मैं हरियाणा में क्योंकि लाई कर रहता हूं, तो हरियाणा में हमारे क्या आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पाली विलेज के अंदर है, वहां के भी एग्जाम के लिए, वहां पे भी एडमिशन के लिए आपको क्या स्टूडेंट एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारे मैं लिस्ट आपको
पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी अब ऐड हो रही हैं, वो सब फुल डिटेल आपको 6 अप्रैल को जब फॉर्म निकलेगा तो सारा वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और भी कोई अगर आपको डिटेल चाहिए होती है स्टूडेंट, जो इसकी एनटीए की जो साइट है वहां पे जाके आप यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होता है रिलेटेड टू सीयूटी, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उससे रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर और जितनी जल्दी हो सकेगा देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।